संस्कार भारती में ओपन माइक का आयोजन कराया गया, जिसमें अनेक प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी स्वरचित कविताओं का वाचन किया। हम विश्व गुरु हो जाएंगे, फिर से बाहर आ जाएगी, भारत से बीजा लेने को दुनिया लाइन लगाएगी, भारत से बीजा लेने को दुनिया लाइन लगाएगी। कि हम चाहते हैं कि आम आदमी की इच्छा का ध्यान रखे। आज की युवा पीढ़ी की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि हम चाहते हैं कि आम आदमी की इच्छा का ध्यान रखे, अपनी मातृभूमि का बस हर दिल में सम्मान रहे, मजदूर किसान गरीब का ना कहीं देश में शोषण हो। इस आयोजन के संबंध में हमने संस्कार भारती के भोपाल संगठन मंत्री श्री रासबिहारी शरण पांडे से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं सोमिल जैन, स्वागत करता हूं इंडिया खबर लाइव में। आज हमारे साथ हैं संस्कार भारती भोपाल संगठन मंत्री राजबिहारी जी। आज हम उनसे बात करते हैं संस्कार भारती का जो आज कार्यक्रम हो रहा है ओपन माइक का, उसके बारे में समझते हैं उसकी रूपरेखा क्या है। सबसे पहले जानना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसकी रूपरेखा क्या है। संस्कार भारती अखिल भारतीय संस्था है कला और साहित्य की, जो 40 वर्षों से विगत इस क्षेत्र में काम करती चली आ रही है। और एक साल से लॉकडाउन के बाद ये पहला मौका है कि जब संस्कार भारती एक नियमित तरीके से कार्यशाला चालू करने जा रही है। ये पहला एक कार्यक्रम का माध्यम है। इसके बाद निरंतर प्रतिदिन 2 घंटे की किसी न किसी विषय पे कार्यशाला होती रहेगी। जैसे 22 तारीख से हमारी एक कार्यशाला चालू हो रही है संगीत की, 22 से चलने वाली है 15 दिन यानी 6 अप्रैल तक। उसके बाद 8 अप्रैल से चलने वाली है 22 अप्रैल तक नाटक का। ऐसे निरंतर रंगोली, चित्रकला, फिल्म से संबंधित सारी विधाओं का 2-2 घंटे का नियमित रूप से संस्कार भारती का कार्यक्रम चालू कर रही है। तो इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है, ओपन माइक मतलब क्या? ओपन माइक है कि अपने जो विद्यार्थी बच्चे हैं, ज़्यादातर कॉलेज में जो अभी आए हुए हैं, उन बच्चों के द्वारा स्वर लिखित उनकी रचनाएं इस मंच पे आके प्रस्तुत करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम उनके लिए ये माध्यम है बनाया। संस्कार भारती का मूल उद्देश्य क्या है, भोपाल की युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को शिखर तक ले जाना? संस्कार भारती भोपाल का मुख्य उद्देश्य है कि भोपाल के कलाकारों के लिए, भोपाल के नाट्यकर्मियों के लिए, भोपाल के चित्रकारों के लिए, जितनी भी विधाओं से संबंधित कलाकार हैं, उन सभी को एक माध्यम प्रस्तुत करना जिससे वो अपनी कला का सही रूप से अपनी चीज़ों का प्रदर्शन कर सके और समाज उनको देख सके और सीख सके उनसे। तो अभी संस्कार भारती ने अभी तक किन किन क्षेत्रों में लोगों को भेजा है, कलाकारों को भेजा है और उनकी उपलब्धियाँ सामने निकल कर आई हैं? संस्कार भारती 40 सालों से काम कर रही है और कला से संबंधित सभी विधाओं में संस्कार भारती काम कर रही है। आप इसमें से काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऐसे कई हस्तियां हैं और कई बॉलीवुड में हैं, कई शास्त्रीय संगीत, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संस्कार भारती के संगठन मंत्री राजबिहारी जी। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। मैं सोमिल जैन, भोपाल।